नमस्कार, सीसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बागेश्वर के दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं रोहिणी जोशी। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत टीम ने कपकोट विधानसभा में मतदाताओं को जागरूक किया। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने मतदाताओं की जागरूकता तथा मतदाता सूची नाम पंजीकृत किए जाने को लेकर जागरूकता रथ रवाना किया था। इधर स्वीप की टीम के सभी मतदाताओं से सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की। पेश है कपकोट से तनुज तिरुवा की रिपोर्ट। बागेश्वर के जिलाधिकारी विनीत कुमार के निर्देश पर मतदाता रथ ने कपकोट विधानसभा में मतदाताओं को जागरूक किया। इस मौके पर टीम के सदस्यों ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज होना जरूरी है। सहायक नोडल अधिकारी के पी चंदोला तथा ललित मोहन जोशी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं से अपना नाम सूची में दर्ज कराने की अपील की। आयोग प्रतिवर्ष मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। इसके तहत 1 जनवरी को अर्हता तिथि अर्थात 18 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में सभी नवयुवक मतदाताओं का एनरोलमेंट इसके कार्यक्रम के तहत किया जाता है। इसके तहत प्रपत्र 6-1 भरा जाता है, जो हमारे समस्त बीएलओ की बात होता है। इसके अलावा अगर किसी को अपना नाम हटाना है उस लिस्ट से या उसी क्षेत्र में किसी का पते में परिवर्तन हो जाता है तो उसके लिए भी अभियुक्तियाँ मांगी जाती हैं। ये सारे प्रपत्र हमारे बीएलओ के पास उपलब्ध होते हैं। तो प्रतिवर्ष ये जागरूकता का कार्यक्रम है। इस वर्ष भी ये 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक का बृहद कार्यक्रम चला है। प्रतिवर्ष इसमें ये माना जाता है कि हम अपने इस मजबूत लोकतंत्र के लिए ऐसा कि प्रत्येक मतदाता को इसमें शामिल करें, इसलिए ये अभियान हमारे प्रत्येक तहसील मुख्यालय से लेके ब्लॉक मुख्यालयों तक जागरूकता के लिए बढ़ाया जा रहा है।